हिमाचल की वादियों में इतने खूबसूरत रंग बिखेरे जिन्हें आप एक या दो बार में नहीं देख सकते। यहाँ पर जितनी बार सैर के लिए जाएं, किसी न किसी नई और अद्भुत जगह के बारे में जानकारी मिलती है और अगली बार उस अनोखी जगह को देखने का वादा लिए आप चले जाते हैं। ऐसा ही पहाड़ों की वादियों में बसे एक खूबसूरत घाटी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये जगह मनोहारी दृश्यों के साथ लोगों के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। खीरगंगा। खीरगंगा समुद्र से 2960 मीटर ऊंचाई पर हिमाचल के पार्वती घाट में बसा एक छोटा सा ट्रैक है। ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आपको 10 किलोमीटर लंबा ट्रैक का रास्ता चलना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रैकिंग के रास्ते की बात करें तो ट्रैकिंग का रास्ता बसेड़ी से शुरू होता है। यहाँ तक आने के लिए आपको साधन मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद 10 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। इस ट्रैक पर कोई भी मानव बस्ती नहीं है और करीब 4 किलोमीटर का लंबा जंगल है। लेकिन इन दुर्गम रास्तों से होकर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर बना झरना आपकी रास्ते की सारी थकान को दूर कर देगा। ट्रैक के रास्ते को पार करने के बाद जहां गर्म पानी का कुंड बना है, जिसके बारे में धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है, कहते हैं कि सतयुग के समय यहां पर खीर बहती थी, लेकिन कलयुग में इस खीर को लेकर युद्ध ना हो इसीलिए परशुराम ने इस खीर को पानी में बदल दिया। आज भी इस कुंड में कुछ मलाई जैसे टुकड़े नजर आते हैं। पास में ही माँ पार्वती का मंदिर बना है। इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों में आस्था है। कहते हैं कि इस पानी में नहाने से त्वचा से जुड़ी किसी तरह की बीमारी से आराम मिल जाता है। खीरगंगा में देखने के लिए बहुत सुंदर नजारे हैं। यहीं पर पास में पार्वती माँ के बड़े पुत्र कार्तिकेय भगवान की गुफा बनी है। कहते हैं इस गुफा में भगवान कार्तिकेय ने तपस्या की थी। इस जगह की जितनी ज्यादा धार्मिक मान्यता है उतना ही सुंदर ये जगह है। आश्चर्य की बात ये है यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। कैसे पहुँची खीरगंगा? खीरगंगा जाने के लिए दिल्ली से हिमाचल वाली बस जो कुल्लू जाती है उससे आप आसानी से भुंतर और फिर वहाँ से कसौल जा सकते हैं। कसौल से बस से आप मणिकरण होते हुए टोर और फिर बसेड़ी जा सकते हैं। इसके बाद 10 किलोमीटर का ट्रैक पैदल ही तय करना पड़ता है।